दोस्तों, अगर आप भी अपने पेटीएम के पोस्टपेड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने अपने पेटीएम के पोस्टपेड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट पर लेके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है जिंगो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से आपको लॉगिन और साइनअप कर लेना है। करने के बाद जैसे ही आप जिंगो में लॉगिन होते हैं, आपके सामने जिंगो का मेन इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है जिंगो। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जिंगो सर्च करते हैं, आपके सामने बहुत सारे कंपनी के गिफ्ट कार्ड आ जाएंगे। वहाँ पे आपको एक नंबर पे जिंगो दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जिंगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे जिंगो के डिफरेंट अमाउंट के गिफ्ट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसा कि मुझे 100 रुपये सिर्फ अपने पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना है, तो सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको 100 रुपये ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि अगर आपको 100 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपको 100 रुपये ट्रांसफ़र करना है अपने बैंक में, तो उसके लिए आपको 7 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने अमाउंट चार्ज करना है 100 रुपये ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आपको 100 रुपये वाला एक गिफ्ट कार्ड को ऐड कर लेना है। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर 100 रुपये ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको 7 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक गिफ्ट कार्ड और ऐड कर लूँगा 10 रुपये वाला। तो उसके लिए मुझे शॉर्ट टू पे क्लिक करके लो टू हाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखते हैं कि 10 रुपये वाला गिफ्ट कार्ड यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो चलिए 14 रुपये वाला ही हम ऐड कर लेते हैं। तो मुझे 100 रुपये भेजना था अपने पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस से बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए मुझे एक दो गिफ्ट कार्ड ऐड करना पड़ा, एक 100 रुपये वाला एक 14 रुपये वाला। तो चलिए हम कार्ड में चल के देख लेते हैं। अगर आप अपने पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस से 107 रुपये पे करेंगे तभी आपके बैंक में 100 रुपये का पूरा पैसा 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा। तो उसी के लिए हमने दो गिफ्ट कार्ड ऐड कर लिए, क्योंकि 10 रुपये वाला गिफ्ट कार्ड तो अवेलेबल नहीं था इस समय जिंगो पे, इसीलिए हमें 14 रुपये का करना पड़ा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, आपको पेमेंट वाले पेज पर ले जाया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप पेमेंट वाले पेज पे आ चुके हैं। बस आपको यहाँ पे पेमेंट कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है वो आपको पेटीएम से करना है। आपको अपने पेटीएम यूपीआई से नहीं करना, आपको पेटीएम में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने पेटीएम पर सेलेक्ट किया, उस पर आप सेलेक्ट करके उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक बार पेटीएम पे क्लिक करके आपको अपना पेटीएम वाला मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपका पोस्टपेड बैलेंस मिला है। तो चलिए मैं अपना दे देता हूँ, और उसके बाद हम प्रोसेस टू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, हमारे नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर दे देना है। तो वेट कर लेते हैं, अभी OTP मिल जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरा मोबाइल नंबर OTP रिसीव हो चुका है मुझे, तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूं OTP अपना। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने अपना OTP सक्सेसफुल भर दिया, उसके बाद यहां पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरा पेटीएम का पेमेंट पेज आ गया है, यानी हमने सक्सेसफुल लॉग इन कर लिया है उस नंबर से जिस पर हमका पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस मिला है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टपेड का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पेटीएम वॉलेट पे जो चेक मार्क लगा है उसको हटा देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको पेटीएम का पोस्टपेड का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पेटीएम पोस्टपेड में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पोस्टपेड में मुझे 740 रुपये का बैलेंस दिखा रहा है। तो आपके पोस्टपेड में जितना बैलेंस होगा आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और आपको जिंगो का 114 रुपये का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, और मुझे नोटिफिकेशन भी आ रहा है, यहाँ ऑर्डर भी मेरा प्रोसेसिंग दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में सक्सेसफुल हो जाए। चलिए मैं आपको आई ऑर्डर में ले चल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईमेल पे भी मुझे मिल गया है कि मुझे अपना गिफ्ट कार्ड मिल गया है। तो चलिए मैं आपको ट्रांजेक्शन ही दिखा देता हूँ।
जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा ऑर्डर डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो दोनों गिफ्ट कार्ड है वो सक्सेसफुल बाई कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो दोनों यहाँ पे आपको जो कोड मिला है और पिन जो आपको दिख रहा है, उन दोनों गिफ्ट कार्ड का पिन और या कोड दोनों कॉपी करके एक जगह नोट कर लेना है। ₹14 लगे एक यहाँ पे कॉपी करके, और इसका जो यहाँ पे जो पिन दिख रहा है आपको, इन दोनों का कोड और पिन, दोनों का, दोनों गिफ्ट कार्ड का पिन और कोड आपको एक जगह पे नोट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट नोट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अपने दोनों गिफ्ट कार्ड का कोड और जो मुझे पिन मिला है उसको मैंने एक जगह नोट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से मुझे बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आते हैं आपको यहाँ पे होम वाले पेज पे आ जाना है। उसके बाद फिर से आपको सर्च करना है पेटीएम, यहाँ पर आपको सर्च करना है पेटीएम। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेटीएम का गिफ्ट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक नंबर पे। यहाँ पे आपको फिर से आपको पेटीएम वाले पे क्लिक कर देना। जैसे आप पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे पेटीएम का बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का गिफ्ट कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ₹100 का जो गिफ्ट कार्ड दिख रहा है पेटीएम का, उसको आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। जैसे आप उसको ऐड करते हैं फिर से आपको यहाँ पे आपको अपने कार्ड में जाना है, कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिंगो अर्निंग पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से पेमेंट वाला पेज आपके सामने आ जाता है। उसके बाद आपको आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे जिंगो गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक दो बॉक्स दिखेगा, एक में आपको आपको जो गिफ्ट कार्ड आपने कॉपी किया था उसका कोड आपको यहाँ पे देना है, और जो पिन आपने एक जगह नोट किया था वो भी भर देना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे जो सबसे पहले जो गिफ्ट कार्ड था उसका कोड और पिन यहाँ पे भर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक गिफ्ट कार्ड का कोड और उसका पिन सक्सेसफुल भर दिया। उसके बाद एक और गिफ्ट कार्ड जो मेरे पास है उसको भी मुझे यहाँ पे फिल कर देना है। उसके लिए फिर से आपको ऐड पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से वहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा, उसको आपको सबसे पहले इसको वेरीफाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा ₹14 वाला जो गिफ्ट कार्ड है उसको मैंने ऐड कर लिया है, और मुझे ₹100 वाला जो गिफ्ट कार्ड है उसका कोड जो मैंने कोड और पिन जो कॉपी करके हमने एक जगह रखा है उसको फिर से यहाँ पे लाके हमें पेस्ट कर देना है। तो मेरा दोनों गिफ्ट कार्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अपना दोनों गिफ्ट कार्ड का कोड और उसका पिन देके यहाँ पे ऐड कर लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ₹14 का और एक जो ₹100 वाला, उसके लिए मुझे 93 का यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं योर वाउचर इज रेडी, मुझे आ गया है मैसेज और मुझे यहाँ पे पेटीएम का एक वाउचर मिल गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो कोड मुझे मिला है यहाँ से कॉपी कर लेना है और जाना है अपने पेटीएम अकाउंट पर, और इसको प्रोमो कोड को ऐड मनी करके इस प्रोमो कोड को हम चिपका देते हैं। तो चलिए मेरा पेटीएम अब यहाँ से ओपन हो रहा है, और यहाँ से जो कोड मैंने अभी कॉपी किया है, ये जो कोड मुझे मिला है यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद सीधे अपने पेटीएम अकाउंट पे आएंगे और यहाँ पे ऐड मनी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद मुझे यहाँ पे अमाउंट में देना है, यहाँ पे हमको अमाउंट में देना है ₹100। उसके बाद ऐड मनी यहाँ पे हैवे प्रोमो कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे इस कोड को जो अभी प्रोमो कोड मिला है उसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोमो कोड है 100% सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखा भी रहा है कैशबैक ऑफ ₹100 विल बी क्रेडिट योर अकाउंट 24 आवर। तो ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जैसे ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और ₹100 मेरे वॉलेट में ऐड कर दिया जाएंगे, वो भी इंस्टेंट। तो चलिए मैं आपको चल के अपना पासबुक यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पेटीएम वॉलेट पे ₹100 आ गए हैं जो मैंने गिफ्ट कार्ड खरीद के और ऐड किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको इसको बैंक में कैसे लेना है आपको तो पता ही होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको दो तरीके से अपने बैंक में ले सकते हैं। पहला तरीका कि आप गोल्ड खरीद के अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और दूसरा है कि अगर आपके पास कोई मर्चेंट अकाउंट है, पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट है, तो आप यहाँ से स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने स्कैन करके और पेमेंट करके दिखा
दिखा देता हूँ। तो मेरे पास तो मर्चेंट का QR कोड है, तो वही मैं स्कैन करके और पेमेंट कर देता हूँ। और अमाउंट में यहाँ पे दे देना है 100 रुपये और यहाँ पे पेसिकॉली पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में यह ट्रांजेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो 100 रुपये का है वो मेरे मर्चेंट अकाउंट में हो गया है सेंड, और यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मैसेज भी आ गया है। तो चलिए मैं चल के आपको सबसे पहले अपने मर्चेंट अकाउंट पे ही चल के इसका ट्रांजेक्शन दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पेटीएम का बिजनेस अकाउंट है, और यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ गया है कि मेरे बिजनेस अकाउंट 100 रुपये का पेमेंट लग चुका है। थोड़ा सा समय लग रहा है वेटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो चुका है 100 रुपये। तो जाइए फटाफट आप इस ट्रिक का यूज कीजिए और अपने पेटीएम के पोस्टपेड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।